सबसे पहले अपने बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दीजिए। जी, मेरा नाम सौरभ कुमार हुआ। मैं बिहार गया का रहने वाला हूँ और मैं फिलहाल भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच से बीटेक में एडमिशन लिया हूँ सेकेंड ईयर में। ओके, डिप्लोमा कहाँ से किए थे? गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज टिकारी, जीपी टिकारी से ओके, किए थे सर। आपने जी, लैटरल एंट्री की तैयारी एग्जाम से कितने दिन पहले स्टार्ट किए थे? एग्जाम से लगभग 2 से 3 मंथ पहले। 2 से 3 मंथ पहले। कैसे प्रिपरेशन जी, स्टार्ट किए थे? वैसे तो इसके बारे में जब हम डिप्लोमा कर रहे थे उसी टाइम इस ओवरव्यू ले चुके थे कि कैसे क्या इसमें क्या होता है। उसके बाद सबसे पहला प्रोसेस था इंग्लिश का, क्योंकि इंग्लिश इसमें तो पास होना कंपलसरी था। इसके लिए ज्यादा मतलब पहले इंग्लिश को ही स्टार्ट किए और उसके बाद मैथ थोड़ा स्ट्रांग था मेरा, तो मैथ पे भी ज्यादा फोकस किए। मैकेनिक्स उतना नहीं था जितना मैथ मेरा स्ट्रांग था, तो मैथ में ही उस टाइम से ही ज्यादा थोड़ा फोकस करने लगे और फाइनली रिजल्ट हुआ। ओके, इंग्लिश में कौन-कौन से टॉपिक आपने पढ़ा था और उससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनाए थे? देखिए सर, इंग्लिश में जैसे सिमिली मेटाफर हो गया, और उसके साथ ही जो भी इससे था आपका एडजेक्टिव वगैरह से था, ये सब पॉइंट का मतलब मेनली रूप से यही सब फोकस किए थे। वैसे आपका बुक इसमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा हमको। आपका बुक के लिए हम पटना गए, पटना से ही बुक परचेज किए थे और फिलहाल अभी भी मेरे पास वो बुक पड़ा हुआ है। उसमें जो भी इंग्लिश के लिए जो आप प्रोवाइड किए थे कंटेंट, मैंने लगभग 100% तो नहीं कह सकते लेकिन 90% उसमें कोशिश किया कवर करने का। और एग्जाम हॉल में वहां जैसे ही इंग्लिश मिला तो उस टाइम ही अनुभव हो चुका था कि रिजल्ट मेरा बन जाएगा, बाकी रैंक जो भी हो लेकिन रिजल्ट बन जाएगा, क्योंकि इंग्लिश उससे शायद 60 से 80% हमको उसी से मैच किया। मैथ्स का प्रिपरेशन ठीक है, आपका मजबूत सेक्शंस था, बट फिर भी कुछ तो प्रैक्टिस किए ही होंगे मैथ्स में, तो वो कहाँ से किए थे? जी हाँ, मैथ का तो मैथ वैसे तो 12 अभी स्टडी कर ही रहे थे, क्योंकि बच्चे लोग का गाइडेंस दे रहे थे 12 मैथ का, उससे थोड़ा बहुत था। और सिलेबस में देखा कि क्या क्या मैथ में पढ़ना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग उस पे जो जो जैसे मेनली मेन मेन जो चैप्टर था, ज्यादा चैप्टर सारा चैप्टर तो कवर नहीं हो पाया, लेकिन जो मेन मेन चैप्टर था जिसमें मेरा पकड़ थी उस चैप्टर पे पहले कमांड किया। उसके बाद थोड़ा बहुत यूट्यूब वगैरह का सहारा लिया, आपका भी चैनल पे बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ था, मेन रूप से वही अच्छा खासा हेल्प मिला उससे हमको। एग्जाम में अप्रोक्सीमेटली कितना क्वेश्चन बनाए थे? एग्जाम में सर इंग्लिश में तो लगभग हम अटेम्प्ट कर पाए थे 30 से 35 क्वेश्चन के आसपास, और मैथ्स मैकेनिक्स में? मैथ में भी कर पाए थे लगभग 30+ मैथ में कर पाए थे, और मैकेनिक्स? और मैकेनिक्स थोड़ा सा मैकेनिक्स नहीं हो पाया था, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन के आसपास मैकेनिक्स किया था। ओके, कितना रैंक आया था आपका? जी, मेरा रैंक था EWS से 46 था, जनरल से 402 था। 402। ओके, इस जी बार जो एग्जाम देंगे उन लोगों के लिए आप क्या जी कहना चाहते हैं कि कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए? फिलहाल तो कहना यही चाहेंगे सर कि यदि नोटिफिकेशन आ गई है तो थोड़ा बहुत अभी से ही स्टार्ट कर दे, क्योंकि भाई वैसे तो अभी तो एग्जाम चल रहा है, उन लोग का सेमेस्टर काफी आने वाला है या चल रहा होगा, खत्म होने वाला है लेकिन 23 तारीख से, साथ साथ है। जी 23 जून को समाप्त होने वाला है। हाँ, 23 जून को समाप्त होना, तो एग्जाम के जस्ट बाद उन लोग इसका प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, ताकि आने वाला समय मतलब हम उस तरह से तैयार हो जाए कि एग्जाम आते आते तक लगभग सारा से मतलब सिलेबस हम कंप्लीट कर लें। एग्जाम डेट भी इस बार जो है फाइनल कर दिया है, अब तो
का 25 जुलाई को एग्जाम भी उन लोगों का होने वाला है। यस सर। हाँ 30 जून तक फॉर्म भरना है जी। तो इस जो पीरियड है प्रोक्स 30 डेज है, तो उसमें कैसे उन लोगों को प्रिपेयर करना चाहिए? वैसे सर मेनली रूप से पहले तो इन लोग को इंग्लिश पे कमांड करना चाहिए, क्योंकि सारा जो हमारा रिजल्ट का पहला स्टेप जो होता है वो इंग्लिश होता है। वैसे सब तो आप ही से सीखे थे, पर आपके सामने ही प्रस्तुत करना पड़ रहा है। इंग्लिश में जहां तक हो सके पास होने के लिए मतलब नंबर तो लाना जरूरी है, तो उसके लिए मेनली रूप से जहां से पॉसिबल हो, यूट्यूब से पॉसिबल हो या उनके पास सेल्फ कॉन्टेंट हो, जिससे भी हो, इंग्लिश को फोकस करके मतलब मैक्सिमम टाइम कोशिश करें कि इंग्लिश पे दे, ताकि एक मतलब रैंक बनाने के लिए हम उस लायक हो जाएं। और बचा मैकेनिक्स या मैथ का, तो जिनका जो टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, यदि दोनों का हम मेरा मानना है कि यदि दोनों पे फोकस करेंगे तो हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम हो जाए। तो जिसका जिस टॉपिक हो सकता है कि कोई यदि मान लीजिए कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट होंगे या कोई सिविल का होंगे, तो उनका मैकेनिक्स ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो वो अपना मैकेनिक्स पे फोकस करें और अभी से ही स्टडी चालू कर दें, और ताकि मतलब आने वाले समय में वो पूर्ण रूप से उसको तैयार कर सके अपने आप को। उनके पास 30 दिन है, इस 30 दिन में ही उनको प्रिपेयर करना है, 31वां दिन उनका एग्जाम होता है। एग्जाम है तो अभी से उनको पहले तो इंग्लिश में मिनिमम 2 से 3 घंटा उनको समय देना होगा इंग्लिश में, और बाकी उनके पास जो भी समय बचे मैथ मैकेनिक्स पे वो फुल्ली रूप से फोकस करें और उनको कंटिन्यू प्रैक्टिस करें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम वीडियो देख लिए उसको प्रैक्टिस नहीं किए तो वो मतलब वहां सोल्व होने वाला है, क्योंकि वहां क्वेश्चन जो आती है 2-4 क्वेश्चन तो ऐसा है जो सब लोग सोल्व कर देते हैं। तो एक अच्छा रैंक बनाने और एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए उनको मैथ या मैकेनिक्स का बेहतर प्रिपरेशन करना होगा। उनको कम से कम 3 से 4 घंटा प्रतिदिन मैथ मैकेनिक्स पे भी समय देना होगा एक अच्छे रैंक बनाने के लिए, ताकि बढ़िया से बढ़िया कॉलेज मिल सके। कॉलेज में क्लासेस सही से चलते हैं या नहीं चलते हैं? वैसे सर मेरा कॉलेज तो है भागलपुर, वहां की बात करें तो अभी तक कॉलेज चल रही है और हम लोग ने क्लास भी अटेंड किया है, अच्छी खासी क्लास भी चल रही है, और कुछ ऐसे टीचर हैं जो अच्छे गाइडेंस के साथ मतलब प्रॉपर रूप से हम लोग को एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ा रहे हैं। तो कुछ वैसे कॉलेज हैं जहाँ जैसे हम अपने दोस्त लोग से भी बात किए या कुछ सीनियर लोग से भी जान पहचान बनी उनसे भी बात किए, तो कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट कॉलेज हैं उनमें क्लास भी चलती है और मतलब वहाँ अच्छे तरह से सारा कंटेंट वगैरह भी प्रोवाइड किया जाता है, एज ए सेमेस्टर के मायने से बोले या फिर गेट कॉलेज मतलब तैयारी के मायने से बोले, तो वहाँ क्लास अच्छे खासे चलती है। फाइनली यहाँ पे उन लोगों को मोटिवेट रखने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो लोग अभी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किए हैं, हो सकता है कि अभी सेमेस्टर एग्जाम है तेज, मतलब कल तक एग्जाम होने वाला है। क्या सर आवाज थोड़ा सा कट गई? 23 जून तक उन लोगों का सेमेस्टर एग्जाम है, तो 24 जून से वे लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, तो उन लोगों को मोटिवेट करने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर वही बोलना चाहेंगे कि देखिए इन लोग सारा तो 3 साल अपने डिप्लोमा में तो समय दिए, और ऐसा नहीं है कि किन्हीं के पास अनुभव का कमी होगा, क्योंकि 3 साल में बहुत सारा कुछ झेलना पड़ता है डिप्लोमा आवर में। उसके बाद एक नई उम्मीद के साथ, क्योंकि अब इन लोग हायर क्वालिफिकेशन के लिए जा रहे हैं एज ए ग्रेजुएशन, इन लोग बीटेक में एडमिशन जाएंगे, तो इनको एक नए उत्साह के साथ एकदम माइंड में इस चीज को सेटअप करना होगा कि हमको इस बार BCCLE क्वालिफाइड करना ही है, और क्वालिफाइड करने के साथ साथ एक बेहतर से बेहतर कॉलेज मिले, ताकि उसको मतलब कॉलेज का जैसे मान लिए कि कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो टेकअप के अंदर आते हैं, वैसे कॉलेज में एडमिशन हो, ताकि वहाँ के टीचर वहाँ के माहौल का अच्छा वातावरण हमको मिल सके। तो एक उत्साह के साथ प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना होगा, जैसे ही इन लोग का सेमेस्टर एग्जाम खत्म हो उसके जस्ट बाद इन लोग एकदम उत्साह के साथ, ताकि हमको 30 दिन के अंदर वो सारी चीज कंप्लीट कर लेना है जो एग्जाम में हमसे पूछा जाए, ताकि हम कोशिश करें कि 200-100 के अंदर रैंक हम ला पाए। तो एक जुनून के साथ तैयारी स्टार्ट करना होगा, क्योंकि सीनियर से इन लोग को बहुत अच्छे तरह से गाइडेंस भी मिल रही है, ताकि
बेहतर से बेहतर कर सके। लैटरल एंट्री क्यों करना चाहिए, जॉब का तैयारी क्यों ना करें जी? लैटरल एंट्री भी क्यों करें, अगर 3 साल हम जॉब का तैयारी करेंगे तो हो सकता है कि मेरा जॉब डिप्लोमा पे निकल जाए, तो लैटरल एंट्री ही क्यों करें? देखिए सर, बात रहता है जॉब के, तो जॉब के लिए हम तैयारी कर सकते हैं। अगर साइड से अगर कॉलेज एडमिशन लेकर के हम बीटेक भी अगर साथ साथ करते जाएं, तो ऐसा नहीं है, आने वाला दौर में बीटेक का क्रेज भी है। हम एक डिप्लोमा के तौर पे भी जॉब लेते हैं, लेकिन हम ये कंफर्म नहीं कह सकते कि 3 साल मेरा जॉब हो ही जाएगा, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, और अगर उनके पास अच्छा टैलेंट ही है तो वो उनको करना चाहिए जॉब का तैयारी। अगर एकदम उनका सारा सेमेस्टर में अगर 8 CGPA प्लस अगर आ रहा है, तो मतलब उनको करना चाहिए गवर्नमेंट जॉब का तैयारी, उनको अच्छे तरह से करना चाहिए। लेकिन को यदि लग रहा है कि 3 साल हम समय दे भी दे और खुदा न खास्ते अगर कहीं सफलता नहीं मिल पाई, तो उसके लिए बेहतर होगा कि साथ में अपना बीटेक भी करते जाए। क्योंकि कुछ कुछ ऐसे भी कॉलेज हैं जहां क्लास न भी करना पड़ता है, और अगर सेम ब्रांच ले ले तो हमको पीछे वाला ही जो तैयारी किए हैं उसी में हम मतलब इस सेमेस्टर की तैयारी भी कर लेंगे, क्योंकि हम 3 साल में बहुत कुछ प्रिपरेशन किया। तो मेनली रूप से अगर 2 साल बोला जाए तो 2 साल हम अपने ब्रांच पेपर पढ़ा है, तो 2 साल में जो भी ब्रांच पेपर हम पढ़ पाए तो उसका कहीं ना कहीं कुछ उपयोग हो जाता है अगर सेम ब्रांच लिया जाए बीटेक में। तो थोड़ा सा एक मेहनत कर देने से हमको मतलब एक अच्छा खासा डिग्री मिल जाती है। ओके, आपने बताया कि अपने बीटेक के दौरान भी तैयारी कर सकते हैं, तो आप टॉप कॉलेज से के अंदर पढ़ रहे हैं, तो आप अपने अनुसार बताइए कि आपको अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम फ्री मिल जाता है कंपटीशन की तैयारी करने के लिए, अगर कोई करना चाहे तो? जैसे देखिए, मैं तो वहाँ कॉलेज में ही रहता हूँ, वहाँ हॉस्टल अलाउट हो गया हम लोग का, तो कॉलेज के क्लास की बात करें तो एक दिन में मैक्सिमम 3 क्लास नहीं चल पाता है, मैक्सिमम बोले तो। अच्छा। वैसे एक क्लास भी चलती है, 2 क्लास, मैक्सिमम 3 क्लास तक एक दिन का जो शेड्यूल है उसके अनुसार। अब यदि 3 घंटा मान लीजिए कि हम क्लास करते हैं, उसके बाद उसका जो क्लास में पढ़े तो उसको थोड़ा सा हम अपने तरफ से पढ़ने के लिए 3 घंटा और समय चाहिए। अगर 6 घंटा को साइड कर दे तो उसके बाद जो समय बचा हमको एक्स्ट्रा मिल रही है, प्लस में वहां हमको खाना बनाने या फिर एक्स्ट्रा ये सब का टेंशन नहीं है, तो हमारे पास सिर्फ समय ही समय है। अगर एक पढ़ने वाला स्टूडेंट चाहे कि हम एक्स्ट्रा समय निकाल करके पढ़े, तो उसके पास बहुत सारा समय है। अगर 3 घंटा कॉलेज को और 3 घंटा सेमेस्टर का तैयारी अगर छोड़ दे तो उसके बाद है उसके पास समय। और आजकल मतलब बहुत सारा ऐसा वेबसाइट है, ऐप है, या यूट्यूबर हैं जिनके माध्यम से हम अच्छे खासे इसका तैयारी कर सकते हैं कॉम्पिटेटिव का। क्योंकि वहां से कॉलेज तो ना, ये कोचिंग तो नहीं ज्वाइन कर सकते। मान लीजिए हम इंजीनियरिंग अकाडमी या कोई ऐसा कोचिंग ज्वाइन करना चाहते तो वो तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन यदि सेल्फ स्टडी में अगर लग रहा है कि नहीं हम अच्छा कर सकते हैं, तो उसके लिए बहुत सारा वहां समय निकल जाता है सर। ओके, अगर कोई चाहे कि ऑनलाइन कोर्सेज परचेज करके तैयारी करे तो वो संभव है? जी बिल्कुल संभव है, बिल्कुल संभव है, वहाँ अच्छा खासा समय। लेकिन उसके लिए एक माहौल तैयार करना होगा, 2-4 लोग वैसे सर्किल में बनाना होगा, जिससे मतलब 4-5 लोग ऐसे, वैसे वहाँ कॉलेज है तो हर रंग के लोग मिलते हैं, कुछ पढ़ने वाले भी हैं, कुछ वहाँ नेतागिरी भी करने वाले हैं, और कुछ सिर्फ टाइम पास करने वाले भी हैं। लेकिन वैसा माहौल आपस में 3-4 लोग का बनाना होगा, जो उनको मेनली रूप से फोकस रहे कि नहीं हमको जॉब ले लेना है, यानी 3 साल इसको निकलते निकलते कहीं ना कहीं हमको जॉब ले लेना है। अगर टारगेट बना करके एक छोटा सा ग्रुप बना करके अगर तैयारी चालू करें तो बेशक हो सकता है, और हम लोग भी फिलहाल वही कर रहे हैं। 3-4 लोग का एक अपना ग्रुप बना लिए हैं, और जो भी एक्स्ट्रा टाइम मिलता है कॉलेज के सारा कंप्लीट करने के बाद, उसमें कोशिश करते हैं कि हम लोग अपना प्रिपरेशन करते रहें, ताकि आने वाले जो भी जॉब का वैकेंसी आने वाली उसमें हम लोग अटेंड कर सके, और कर भी रहे हैं। ओके, चलिए, आपने अपनी बात को जो है शेयर किया, इस वीडियोस को देखने के बाद हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को जो भी सवाल था मे भी उनको जो है डाउट क्लियर होगा। बाकी जो भी डाउट्स होगा वो तो हमारे साथ शेयर करेंगे ही, तो उनका सवाल का जवाब दिया जाएगा। तो उसके लिए थैंक यू कि आप अपना टाइम निकालकर कॉलेज का टाइम
खत्म होने के बाद आप हमारे साथ शेयर किए, उसके लिए थैंक यू जी।